करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई में आम जनों से प्राप्त 53 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा ने आवेदन पत्रों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीमांकन, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, उपचार सहायता, छात्रवृत्ति, पेंशन, मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों की सुनवाई की गई। जन सुनवाई में लालू देवी सिंह निवासी ग्राम फौदा ने उनके दो बेटों द्वारा बंटवारे में मिली जमीन में खेती करने में बाधा डालने की शिकायत की। तहसीलदार नईगढ़ी को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुनीत पांडे निवासी ग्राम सिरखिनी ने सुरक्षा कंपनी JMS में लंबित भुगतान के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने SDM हुजूर को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। मुकेश मिश्रा निवासी ग्राम मनकहरी ने शासकीय सड़क से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार हुजूर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सूरजभान साहू निवासी रीवा ने उद्यान अधीक्षक द्वारा वेतन भुगतान न करने की शिकायत की। सहायक संचालक उद्यानिकी को प्रकरण में कार्यवाही करने तथा लंबित वेतन का भुगतान कराने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में ममता द्विवेदी निवासी ग्राम खरहरी ने प्राथमिक पाठशाला में रसोइये के पद पर पुनः नियुक्ति करने तथा लंबित मानदेय के भुगतान के लिए आवेदन दिया। जिला समन्वयक शिक्षा मिशन को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अमीरुद्दीन निवासी ग्राम दामोदरगढ़ ने जमीन के सीमांकन के संबंध में आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने SDM हनुमना को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। संतोष कुशवाहा निवासी चिरहुला तथा वाल्मीकि तिवारी निवासी रीवा ने बिजली बिलों के सुधार के लिए आवेदन दिया। अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।